मैं धन्य थी जो ऐसे गुरु चरणन को पायो। बड़ो भाग्य भयो तब ही हमारो जब मैं श्री गोवर्धन आयो। बोली पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्य शास्त्र विस्तरे, किमन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य। सर्वयुपनिषितो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता, दुग्धं गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एकं तस्य देवस्य सेवा, कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। कल हमने छठे अध्याय के दसवें श्लोक तक पाठ किया था, आज ग्यारहवां श्लोक छठा अध्याय, छठे अध्याय का ग्यारहवां श्लोक। छठा अध्याय 11 नंबर मंत्र। सुचो देशे प्रतिष्ठाप्या, स्थिरम आसनम आत्मनः, उच्छ्रितं नाति नीचं, चैलाजीन कुशोत्तरः, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा, यच्चित् तेन्द्रियः क्रियः, उपविश्यासने जुञ्जाय, उपविषयासने जुञ्जयात्, योगम् आत्मविशुद्धये, समः काय शिरो ग्रीवम्, धारयन्नचलं स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम्, दिशश्चावनलोकयन्,
प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः जुञ्जनेवं सदात्मानम् योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थां अधिगच्छति नात्यनतस्तु योगो अस्ति नाचेकान्तमश्नत नाचाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो चैव चयर्जुन नैव चयर्जुन युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तात्मा अन्नेवावतिष्ठति निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नंगते नेंगते सोपमा स्मिता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगात्मनः तत्र उपरमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मा यत्र चैवात्मानं यत्र चैवात्मनाम् आत्मना आत्मानं यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति बहुत सुंदर भगवान विधि बतला रहे कैसे करके अपने मन को आप पकड़ सकते हो लेकिन हम लोग पकड़ना नहीं चाहते नहीं लोग बोलते हैं शरीर मिला है पूरे मजे लो भगवान ने दिया बाद में भगवान फिर भेजेगा तेरे को जो काम करने के लिए संसार में भेजा था सुख लेने के लिए तैने लियो ना ब्रह्मचारी बन गो तू रह गो ऐसे ही निठल लो संसार में जाओ भोग करो दोबारा जाओ बार बार आना पड़ेगा इसलिए जो काम के लिए भेजा है मनुष्य बनाया अच्छी तरह शादी वादी करो 10-20 बच्चे पैदा करो उसके बाद में ये बात नहीं है भगवान ने यहां पे उन लोगों को उत्तर दिया है क्या बोलते प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता प्रशांत आत्मा है
विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। विगत भी मतलब होता है भय से अलग हो जाए, निर्भय होकर। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो, मनः संयम्य मत चित्ता मत परः युक्त आसीत। ये भगवान कहते, जो लोग बोलते ना संसार में भगवान ने भेजा है, मौज करो, खाओ पियो, ऐश करो, जावत जीव सुखम जीव ऋणम कृत्वा घृतम पीवा भस्मी अस्य देहस्य पुनः जन्म कुतः। शरीर ने भस्म हो जाना, फिर जन्म किसका। हाँ, तो यहां पर जो वो चाहते हैं, गुरुजी एक दिन बोले एक नारी सदा ब्रह्मचारी। गुरुजी ने एक दिन बोला एक नारी सदा ब्रह्मचारी। मुझे दे दीजिए, हाथ पैर लग जाएंगे इधर उधर। हमको वो उपनिषद में मिला श्लोक, ऐसे नहीं बोला गुरुजी ने, ये था किम वदंतियां चलती सुनती आ रहे हैं, लेकिन उपनिषद में मिला। उसका अर्थ है इसके अनुसार, प्रशांत आत्मा विगत भी भय से दूर हो जाओ, डरो मत। प्रशांत आत्मा जो होगा वही विगत भी होगा। प्रशांत कौन होता है, शांत किसे कहते हैं, शांत ये है। प्रशांत मतलब मुर्दा, मुर्दे की तरह प्रकृष्ट रूप से शांत हो जाए। उसको भय नहीं होता। वो लोग, ऐसे लोग ब्रह्मचारी व्रत स्थित, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहते। गुरुदेव ने एक दिन जलंधर में इसके विषय में बोला, वो क्या श्लोक था, वो निष्किंचना नाम भगवत भजन उन्मुखस्य पारा परम जीव भवसागर से हाहंत हाहंत विष भक्षणो अपि अप्य साधु। यहां लिखा था हमने, याद है, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारा परम जिगिर्मश्य भवसागर तरस्य हाहंत हाहंत विषभक्ष योषितांच विषयी नाम अथ योषितांत हाहंत हाहंत विषभक्षणो अपि असाधु। गुरुजी कहते इस श्लोक को गुरुजी ने बोला कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को ग्लानी करते हुए भगवान को चाहता है, उसके लिए ये बात है, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आ। जो स्त्री संगी है, विषयी है, उसका संग करने से निश्चित रूप से गिरने का भय है। अब गुरुजी ने बोला, यहां तो सब गृहस्थ भक्त लोग है, जलंधर की बात, ये कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। गुरुजी के जो शब्द थे वो मैं आप बोलने वाला हूं। गुरु कहते, संतान उत्पत्ति को छोड़कर किया गया विषय सुख भी वर्जनीय है। ये गुरुदेव ने कहा, वो है ब्रह्मचारी। एक नारी सदा ब्रह्मचारी का मतलब ये है। भक्ति विनोद ठाकुर कितने संतान थे,
12 या 13 थी। उनके नियमावली में उनके द्वारा माता भगवती के द्वारा जो स्त्रियों को शिक्षा मिली, भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा जो शिक्षा मिली, उससे पता लगता है कि उन्होंने केवल संतान उत्पत्ति के समय ही आपस में संयम किया, अन्यथा पूर्ण ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्हें सप्तम गोस्वामी कहा गया। ये गुसाई जाति की बात नहीं हो रही। तो यहां पे जो बात कही है, विगत भी ब्रह्मचारिणी व्रते, जो चाहता है भगवान को उसको ब्रह्म का आचरण करना पड़ेगा। ब्रह्म मतलब तेज, शरीर का तेज। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब आत्मा। इसका आचरण, इसको धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के आगे का काम चलेगा। हम लोग क्या श्रवण कर रहे थे, पांचवें अध्याय को हो गया खत्म, छुट्टी। फोर्थ चैप्टर समाप्त होने को नहीं आ रहा। यहाँ पर जो आज पंचम छठे अध्याय में जो भगवान ने बोला ना, समाह काय ग्रीवो, वो बहुत सुंदर श्लोक हैं। किस प्रकार से व्यक्ति को कैसे बैठना है, कैसे देखना है, दृष्टि कैसे होनी चाहिए, सांस कैसे चलनी चाहिए, सारी बात इसमें बतलाई है। वो भगवान ने ही बोली, किसी और देवी देवता ने नहीं कही। तो इसलिए जो लोग इस मार्ग को अपना करके भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की लीला का चिंतन करते हैं, उन्हें अति शीघ्र भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अर्जुन ने फिर दोबारा से प्रश्न किया, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन वाच, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसी यत् येक जेयतोरेकम तन में ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने कहा योग द्वारा कर्म का त्याग करो, और फिर कहा कि ज्ञान के द्वारा संशय का छेदन करके युद्ध रूपी कर्म करो। इसलिए मुझे निश्चय करके कहें कि कर्म करूं या कर्म का त्याग करूं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, आपने बोला कर्म का संन्यास कर दो, कर्म का, कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, ज्ञान अग्नि के द्वारा सारे कर्मों को भस्म कर दो। अच्छा, मैं अब उस तरफ चलने लगा, आप फिर बोलने लगे कर्म करो। भगवान ने इससे पहले जो बातें कही है ना, करते हुए भी नहीं करता है, अकर्म न कर्मणम, उससे दिमाग अर्जुन का दिमाग पगला आ गया कि ये क्या बोलना चाहते हैं। ठाकुर जी को साला बनाया अर्जुन ने, श्याला, शास्त्र का शब्द है ये, श्याला, श्याला, श्याला। तो भगवान से उसी भाव में पूछ रहा है कि भैया हमें ये बताओ, पहले तुम कह रहे कर्म करो कर्म करो, पहले दूसरे अगर देखेंगे पड़ाव में कर्म के ऊपर इतना जोर दिया कि कर्म क्षणमपि जातु आतिष्ठित कर्म कृत, एक क्षण भी व्यक्ति जो है कर्म के बिना नहीं रह सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। नियतम कर्म कुरु, नियतम कुरु कर्म, जय आई है चेत कर्मणा, निश्चित रूप से तेरे को कर्म करना ही पड़ेगा। कहते मैं अब जब कर्म में जुड़ा तो कहते कर्म बंधन ही व कारणम, कर्म ही बंधन का कारण है, इसलिए ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात। हमारे परम पूज्यपाद निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी जब कथा सुनाते थे, इस विषय पर चर्चा होती थी, तो भगवान ने तीन प्रकार के बंधन कहे, कर्म तीन प्रकार के, तमोगुनी रजोगुनी और सत्वगुनी। तो तीन प्रकार के जो कर्म हैं
वो तीन प्रकार की जंजीरें हैं। जंजीरें जानते हैं, भैंस को बांधने वाली चैन है, है? अब ये भैंस बांधे ना जब वही थे हिसाब से बताइए, चैन है बोलो, जंजीर लोहे की जंजीर, हथकड़ी चांदी की हथकड़ी और सोने की हथकड़ी। सोने की हथकड़ी का मतलब है ट्रीटमेंट वीआईपी मिलेगा, लेकिन रहना जो है नजरबंद, जेल में रहना होगा, नजरबंद रहना होगा। चांदी वाली ये है कि बीच बीच में ट्रीटमेंट मिलता रहेगा, काम भी करना पड़ेगा। और लोहे वाली उसमें परिश्रम के साथ छिल उधेड़ भी होगी, क्योंकि तमोगुण है ना, वो उत्पात करेगा ही करेगा, वो जेल में भी लड़ाइयां करेगा ही करेगा। रजोगुनी तो ये है कि आया भैया कुछ अच्छे कर्म कर लो। तमोगुनी जो है वो व्यक्ति किसी को चैन से नहीं रहने देगा, इसलिए उसको चितोड़ भी लगेगी और पनिशमेंट भी बढ़ती रहेगी। ये सुधरा नहीं, इसको बाहर नहीं निकालना। रजोगुनी व्यक्ति इस संसार में जो दूसरों को कष्ट देते हैं वो तमोगुनी है। जो लोग दूसरों को सुख देते हुए स्वयं सुख भोग करना चाहते हैं रजोगुनी है। जो लोग इस संसार के सुखों को भगवान को समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं वो सतोगुनी है। ये तीन प्रकार के कर्म सारे के सारे बंधन के कारण। भगवान को समर्पित करके आगे बढ़ना चाहते वो भी, हाँ वो भी, क्यों? क्योंकि वह इस संसार का नहीं परलोक का सुख चाहते हैं, परलोक में सुख चाहते हैं, स्वर्ग इत्यादि का सुख, इसलिए वो भी बंधन का कारण। हे अर्जुन, इसलिए तू ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, जैसे आग जला के भस्म कर देती है समिधा को, ऐसे ही तू सारे कर्मों को ज्ञान अग्नि से भस्म कर दे। अर्जुन तैयार हुआ बेचारा। इसमें भगवान ने फिर बोला कि देख, जिससे तू नष्ट करेगा, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर, वो जो बोला ना, जो तू करेगा उसमें जो तू करेगा अगर भाव है तो मूड है। करता हम इति मन्यते, क्या है? अहंकार विमूड आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकारी विमूड आत्मा ये सोचता मैं कर रहा हूं, तो वो मूड आत्मा है। बेचारा बहुत कंफ्यूज है, तब यह श्रेय एतत् यो एकम, इनमें से एक जो बोलना है वो बोलो, तनमे ब्रूही सुनिश्चितम। अच्छा, भगवान इतना लंबा चौड़ा काहे को बोले, सीधा सीधा बोल देते। रहते तो सीधा सीधा शुरू में बोल दिया, अर्जुन की समझ में नहीं आया। द्वितीय में, दूसरे अध्याय में बोल दिया, बोल डाला, दूसरे तीसरे में सीधा बोल दिया। देख, सीधी सीधी तेरे को बात बोलूं, तू रह नहीं सकता बिना कर्म के, तेरे में क्षत्रिय स्वभाव है, तू युद्ध करेगा ही करेगा, तू टिकेगा नहीं, मेरी आज्ञा है युद्ध कर, बोल दिया। लेकिन मित्र समझता है ना, सखा समझता है कि कहीं और फंसा दे जाके। बचपन से ठाकुर जी को लीला करने की आदत है, तो इसलिए सखा के हिसाब से देख रहा है। तब भगवान उसको उसी हिसाब से समझा रहे हैं कि हर बात को इतनी डिटेल से बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अर्जुन की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि, एक साथ लक्ष्य मार रहा है सामने वाले को, दूसरा अगर देख रहा है उसे लग रहा है कि उधर ही जा रहा है, लेकिन जब तीर छोड़ता है तो तीर ऐसे टेढ़ा करके छोड़ता है कि वो जाके लगता है दूसरे को, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि। ये सिस्टम है मारने का। हमारे परम पूज्यपाद साधु महाराज जी, परम गुरु जी के शिष्य, वो उन्होंने एक धनुष बनाया था पत्थर फेंकने वाला, पत्थर फेंकने वाला, गुल्ले ने धनुष, जयदेव ने देखा होगा वो धनुष गोकुल महाभ में,
इतना बड़ा धनुष बांस का, और उसमें पत्थर ऐसे रखो और मारो, इतना सटीक निशाना था ना उनका, कर ऐसे रहे हैं जाओ उधर रहा है, इधर दिखा रहे हैं जाओ उधर रहा है, और उधर जो जा रहा है ना ठीक वहीं पे लग रहा है जहां उन्होंने मारना, उसमें कुछ बल दे करके भेजना पड़ता है, तीर को बल दे के भेजते हैं, जब बल दे के भेजते हैं ना तो ऐसे आगे जाके स्विंग करते हुए जाता है। इससे भी ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि थी अर्जुन की। इसलिए भगवान ने कहा कि इसको मैं सभी तरह से उत्तर देते हुए चलूं, ये कर्म में घुसना चाह रहा है ठीक है, लेकिन कर्म में कैसे जाना है, ऐसे जड़ बुद्धि की तरह नहीं जाना है, कर्म में ज्ञान के द्वारा जाना है, कर्म करना है ज्ञान के द्वारा करना है। इस तरीके से भगवान उसे हर बात को, एक एक बात को जमाते हुए समझाते हुए चल रहे। तो इसलिए यहां जब कहा कि प्रभु आपने कह दिया संशय छेदन करो, युद्ध कर्म करो, आप मुझे निश्चय करके बताओ कर्म का त्याग करूं जहां कर्म करूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, प्रोक्तम ज्ञानादपि श्रेष्ठम कर्म तद् दाढ्य सिद्धये तत्पदार्थस्य च ज्ञानम सम्यायाद्या अपि पंचमे। भावानुवाद में कहते हैं, चतुर्थ अध्याय में कर्म के संबंध में दृढ़ता सिद्ध करने के लिए कर्म को ज्ञान से भी श्रेष्ठ कहा चौथे अध्याय में। अब इस पंचम अध्याय में तत्पदार्थ का ज्ञान और साम्य आदि का वर्णन किया जा रहा है। चौथे अध्याय में कर्म को ज्ञान से भी श्रेष्ठ कहा, पहले बोल दिया सर्वकर्माणि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात, उसके बाद में कहा कि कर्म वही है वास्तविकता में। कौन सा ज्ञान, कि जिसको ये पता लग जाए कि कर्म में अकर्म है, अकर्म में कर्म है ना, ये बड़ा जबरदस्त वो ट्रिकी वो है। सोने में जगना है, जगने में ही सोना है, मैं जगत में हूं, जगत मुझ में है, ना मैं जगत में हूं ना जगत मुझ में है, ऐसे जो द्वंद वाले शब्द हैं उनका उत्तर बिल्कुल परफेक्टली भगवान ने भी दिया है और उसको समझा भी जा सकता है, लेकिन अर्जुन लीलावश ये कर रहा है कि वो सामने से पूछ रहा है। कई बार हमने देखा कुछ महात्मा लोग, प्रश्न होता नहीं है, इंटरव्यू कर रहे होते हैं, जो कि ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रश्न में ये तीखापन लाया जाएगा जिससे कि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो, झगड़ा किया जाएगा, आप तैयार हैं? हाँ तैयार है, चिंता नहीं, आ जाओ। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो दिखता ऐसे कि लड़ रहे हैं, ऐसे अर्जुन और भगवान सब कुछ जानते हैं, दोनों नर नारायण स्वरूप से भद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं, उनको कोई प्रश्न है, कोई उनके लिए कुछ जानना बाकी है, ना होने पर भी संसार में हम जैसे फंसे हुए जीवों के लिए ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, अज्ञानता अर्जुन जी महाराज दिखला रहे हैं, लेकिन है नहीं। कहते हैं पिछले अध्याय के अंतिम दो वाक्यों को श्रवण कर उसके परस्पर विरोधाभास की आशंका से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में आपने कहा कि निष्काम कर्म से उत्पन्न ज्ञान से संन्यास कर्म संन्यास लेते हैं, उसके संशय छेदन उनके संशय ज्ञान द्वारा छेदन हो जाते हैं, जो आत्मा के चिन्मय स्वरूप को जान लेते हैं। किंतु उसके ही अगले श्लोक में आपने कहा कि हे अर्जुन निष्काम कर्म योग का आश्रय लेकर तो युद्ध के लिए खड़ा हो। आपने उससे पहले कहा निष्काम कर्म योग से उत्पन्न ज्ञान से कर्म संन्यास लेकर के निष्कर्म कर, निष्काम कर्म योग कर,
इस प्रकार से जो कोई करता है वो अपनी आत्मा का चिन्मयत्व जान लेता है। आपने कहा समझ आ गया, करने के लिए सोचा भी, अगले ही आपने श्लोक में बोल दिया युद्ध कर। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं उन दोनों वचनों को सुनकर अर्जुन को दोनों में विरोध की शंका हुई, क्योंकि खड़ा रहना और चलना जिस तरह एक दूसरे के विरोधी हैं, उसी प्रकार कर्म संन्यास और कर्म योग परस्पर विरोधी है। खड़ा रह, चल, चलते हुए खड़ा कैसे रह सकता है, खड़ा रह के चल कैसे सकता है, मन से चल सकता है, मन से चल सकता है लेकिन वहां जाके खा के आ सकता है, जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही कहते कर्म संन्यास और कर्म योग एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए व्यक्ति के लिए एक ही साथ में एक साथ दोनों कार्य संभव नहीं है। इसलिए इसका अभिप्राय ना समझ पाने के कारण आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन दोनों में से किसी एक को निश्चय करके मेरे लिए कहिए। जब हम इसे ऐसा सुनेंगे कि ये हमारे प्रश्न है, तब हमारा इंटरेस्ट होगा और नींद भी नहीं आएगी, ध्यान लगेगा। जब हमें लगा गया अर्जुन और कृष्ण संवाद चल रहा है, चलने दो, ये तो और भी बड़े दिन चलना है। जब ये मेरा प्रश्न है और वास्तविकता में अपने साथ जोड़ करके अगर देखेंगे तब आनंद आएगा। भगवान कहते हैं संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयास कराभुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशेष। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मंगल करने वाले हैं। इनमें से कर्म त्याग की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। कर्म में आसक्ति के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। वस्तुतः मैंने कर्म त्याग का उपदेश नहीं दिया है, मैंने कर्म को छोड़ने का उपदेश नहीं दिया, मैंने कर्म में जो आसक्ति है उसको छोड़ने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई सिद्ध करेगा? ऐसा नहीं, सारे काम, सारे काम जो कर रहे हैं, सारे काम करो तो से लिप्त, हाँ, जिससे से लिप्त नहीं, मतलब जिसते विच उसते विच नहीं, सारे काम च निलिप्त होके करने, सारे काम, ओ हाँ, ये देव चिंता नहीं, जिच्चों लिप्त नहीं है, जिसमें लिप्त हैं, जिसमें लिप्त नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। कर्म में आसक्ति के त्याग को ही संन्यास कहा जाता है। कर्म का मतलब होता है वेद विहित जो, फल की बात तो अलग होगी ना, आसक्ति रहित, फल की आकांक्षा होगी तब आसक्ति, ठीक है चलेगा थोड़ा सा, लेकिन फला फलाशक्ति की बात नहीं, कर्म में आसक्ति की बात है। यही तो कह रहे ने, यही बात बोल रहे, वो तो फल की आ गई ना बात, फल की इच्छा नहीं। बोलो पंडित जी, ऐसा मत किया करो, आप महातार्किक व्यक्ति, चतुर धुरंधर, तन्मध्य एक, ये पंचम आ गया, बोलो। कर्म में आसक्ति के त्याग को ही संन्यास कहा जाता है। कर्म में आसक्ति को त्याग, प्रभु जी अपना कर्म करते थे बड़ी निष्ठा के साथ, ऑपरेशन करना है आंख का, बड़ी तल्लीनता के साथ, लेकिन जिसका ऑपरेशन करते उसके साथ कभी जुड़े नहीं रहते थे, तब तक ही जब तक वो ठीक हो गया दवाइयां खा के, उसके बाद ना उसका संबंध, ना
आसक्ति रहित संबंध सहित, आसक्ति रहित संबंध सहित, जो आपने कहा कि भगवान जी की सेवा है, इस भाव से निष्ठा के साथ कर्म करना, लेकिन उससे श्रेष्ठ, उससे अच्छा किसी ने कर दिया तो उसकी टांग नहीं खींचना। मैंने जब कर दिया तो उसके बाद करने की क्या, अरे प्रभु जी उससे बेटर, बेटर का मतलब क्या होता है, मैं खराब किया? ये है कर्म में आसक्ति। चलो बिगाड़ ही दिया, आपने किया बढ़िया, बिगाड़ दिया तो गुस्सा तो आएगा, आना ही है वो तो। लेकिन गुस्सा आने के बाद में आप उस गुस्से को दिल में मत रख लीजिए। अगर आपने रख लिया तो ये कर्म आसक्ति हो गई। और दिल में रख के आप द्वेष मत पाल लीजिए। जीवन भर के लिए उसने मेरे को ना, आपको पता नहीं महाराज, इतनी सी बात देखो बता रहा, नाम नहीं मेरे को याद, आपको पता नहीं महाराज, मैं गया उसने पानी नहीं पूछा। कब की बात है, 10 साल हो गए। तो उसके बाद पानी पिया, मतलब मैं गया ही नहीं उसके बाद। अरे हो सकता है कि वो भूल गया हो, हो सकता है। नहीं नहीं, भूलने की बात ही नहीं। उसके बाद वो मिले आपसे? हाँ कई बार मिला, हाथ जोड़ करके, हरे कृष्णा बोलता है, मैं नहीं बात करता। क्या है भाई, तुम गए पानी नहीं पूछा, उसके बाद 10 साल के अंदर कई बार मिला हाथ जोड़ करके, राधे श्याम करता है, मैं नहीं बात करता। ये वाली जो बात है ना, इससे निकलना पड़ेगा। नहीं निकलोगे तो ऐसा जबर बंधन, ऐसा जबरदस्त बंधन होगा कि आप कभी जीवन में उन्नति, भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं कर सकते। एक, नहीं कर सकते। दो, नहीं कर सकते। तीन, ये बात सही है, लेकिन बदला नहीं दृष्टिकोण। आपकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बात बदलता नहीं है दृष्टिकोण। गुरु महाराज जी को, गुरु जी ने कभी पैसे के लिए कभी भी किसी से बोला नहीं कि मुझे चाहिए। एक बार जरूरत थी, कोई कुछ 20-30 हजार रुपए की, 89-90 की बात है, तो इतनी सी जरूरत थी उस वक्त पैसे वगैरह, क्यों गुरु जी की आदत ही नहीं थी मांगने की किसी से। तो पैसे कहाँ से इकट्ठे करें, मदन लाल गुप्ता ने 5 हजार रुपये दिए पहले, और ये लोग इकट्ठा करने के लिए गए तो हमारे गुरु भाई ने बोला, लोगों से कमाल दी गल है, थोड़े को पैसे नहीं निकल रहे। ग्रस्त गुरु भाई, उसने कहा मैं आज ही अपने घर को, मतलब मेरे पास है नहीं पैसे, मैं पेपर जमा करा करके जो है वो ला करके, उसने लो जी फड़ो। क्या हुआ, जब उसने ऐसा किया, किसी को पेपर पकड़ा करके जब पैसे इकट्ठे 20 हजार रुपये उन्होंने दिया, 30 हजार रुपये की कुछ ज़रूरत थी, 20 हजार रुपये जब उन्होंने दिया तो वो चंद्रशेखर प्रभु जी, जयप्रकाश, ये लोग जा रहे थे बठिंडा में, तब उसको सबकी आंखें खुली, और वो फलाने ने जो है वो अपना घर पेपर रख दी, और निकालो निकालो, फिर 2-2, 4-4 हजार रुपये निकला, 50 हजार रुपये इकट्ठा, 50 हजार रुपये इकट्ठा हो गया। तो ध्यान देना, हमारे मुख में बात ये है कि हमारा सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन जब कृष्ण के लिए समर्पण का बात आती है तब हरे मैंने फलाने का ये दिया, मतलब लाखों करोड़ों रुपया संसार में लगा दिया, आज भी सोचते हैं कि
थोड़ा सा ना पोते के लिए करके नहीं जा रहा, बेटा पोते को देख लेना। अरे उसका बेटा जैसे तुमने देखा अपने बेटे को, अपने अपने हेठ को देख लेगा वो। नहीं, ठाकुर जी ने सेवा दी थी, मैं अपने ढंग की सेवा करके जाना चाहता हूँ। बच्चों की सेवा दी थी भगवान ने, ये बच्चों की सेवा दी आसक्ति है, ये कर्म आसक्ति रहित नहीं है, मुख में है कि भगवान ने सेवा दी, मैं सेवा कर। सेवा में जैसे आप मंदिर में सेवा करके जाते हो आसक्ति रहित होकर के, ऐसे होती है बच्चों की सेवा आसक्ति रहित। मजाक नहीं है, कहना आसान है, सब कृष्ण का संसार है, कृष्ण रे संसार करो छाड़ी होना चार, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धनो प्राण, कहने की बात। यहां पे जो बात कह रहे हैं भगवान, आसक्ति के त्याग को ही संन्यास कहा जाता है। कर्म में आसक्ति नहीं, भगवान की सेवा में आसक्ति। लेकिन सेवा में जो आप कर रहे हैं उससे कोई भी व्यक्ति अच्छा करके दे रहा है तो उसे तुरंत स्वीकार करो, अरे वाह बढ़िया चलो चलो, हेल्प में लग जाओ। समझ लगी? नए हो, अब जैसा घड़ा तैयार, जैसा बनना है आकृति वैसे बन जाओगे, पकने के बाद ना बन रहे। वो दो वहां देख रहे हो, दो गमले पड़े हुए, एक में डिजाइन ऐसे 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 खरबड़ा सा है, दूसरे में प्लेन वाले में खरबड़ा बनाने की कोशिश करो ऐसे टक 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 मार करके फूट जाएगा, और इसको प्लेन करने की कोशिश करो तो छेद हो जाएंगे। तो इसलिए कच्चेपन में, इस वक्त कच्चे हो तुम लोग, इस वक्त जैसी धारणाएं बना लोगे वैसी जीवन भर के लिए बन सकती हैं, लेकिन ये धारणाएं बनानी मतलब एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, कम से कम दसों साल ये धारणा लगातार रहे कि हम मिलजुल करके सेवा करेंगे, हम मतलब किसी का दोष नहीं देखेंगे। ये जब भावना और धारणा रहेगी तब जा करके आसक्ति, कर्म आसक्ति का त्याग होगा। और कहते हैं यही मैंने बोला था, मैंने कर्म संन्यास की बात नहीं की, कर्म की आसक्ति के संन्यास की बात की है। वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः।